शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है तमाम तारीफें मेरे अल्लाह इज़्ज़त के लिए हैं अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ होंगे खुश होंगे आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ़ ये खौफनाक कहानी अजहर शेयर कर रहे हैं अज़हर कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्राउनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ आज से दस साल पहले की बात है मैं उस वक्त एक बस ड्राइवर था और मैं बायदा बस चलाया भी करता था तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक जगह से कुछ सवारियाँ लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक जगह पर गाड़ी ख़राब हो गई बड़ी मुश्किल के साथ गाड़ी जब मैंने रिपेयर करवाई तो जैसे कैसे करके हम लोग बस स्टेशन पर पहुंचे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे सब सर्दी का मौसम था तो जैसे ही सारे पैसेंजर बस से उतरे तो वो अपने अपने घरों को चले गए यहाँ तक कि बस स्टेशन बिल्कुल खाली था ये टाइम मुझे 12 बजे वहाँ पर बस स्टेशन पर उतारना था लेकिन गाड़ी ख़राब होने की वजह से मैं अढ़ाई पौने तीन बजे वहाँ पर पहुँचा क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उसके बाद वहाँ पर हम लोगों का जो बस स्टेशन था बैक साइड पर वहाँ पर हम लोगों ने बस स्टैंड पर रात के बाद गाड़ी वहाँ पर स्टैंड पर पार्क करनी होती थी पासुकात हम लोग वहाँ पर बस स्टेशन पर ही कमरे बने होते थे वहीं पर रात गुजार लेते थे नहीं तो अपने अपने घर चले जाते थे नेक्स्ट डे मैंने सुबह फिर गाड़ी लेकर निकलना था इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज की रात बस स्टेशन पर ही ए, कमरे में गुजार लूँगा जैसे ही मैंने बस स्टैंड के पास जाकर अपनी बस लगाई वहाँ पर सिर्फ मेरी ही बस की खाली जगह बाकी थी बाकी सारी जो बसेस थी स्टैंड पर लगी हुई थी उसी तरफ बस स्टैंड का जो वॉशरूम एरिया था वो भी उसी तरफ होता था जैसे ही मैं वहाँ पर गाड़ी पार करके बस से नीचे उतरा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ पर फ़िज़ा में मैं किसी चीज़ को उड़ते हुए देख रहा हूँ जैसे कोई बहुत बड़ा वजूद है जो हवा में उड़ रहा है कभी एक बस की छत पर जाता है कभी दूसरे बस की छत पर जाता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये कौन सा परिंदा है जिसका इतना कद है और जो इतना दराज कद का है कि इसका बकायदा मुझे वजूद दिखाई दे रहा है मैं और से देखने लगा वहाँ पर बस जहाँ पर बस स्टैंड था वहाँ पर भी लाइट्स लगी हुई थी लेकिन उनकी रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी मेरे पास एक टॉर्च थी मैंने जल्दी से अपनी बस में से वो टॉर्च निकाल ली डैशबोर्ड में से तो जैसे ही मैंने वो टॉर्च टौर, उस तरफ की तो मैं क्या देखता हूँ बिल्कुल मेरे सामने वाली जो लाइन थी जहाँ पर बसेज थी वहाँ पर मैं देखता हूँ कि जैसे वो मखलूक जो थी वो उड़ रही थी वो ऐसे था जिस तरह से बाकायदा कोई औरत है बड़े लंबे लंबे उसके पैर थे उसने लिबास जो पहना हुआ था उसके लिबास का कलर इस तरह से था जिस तरह से सुर्ख लिबास होता है कभी वो रेड लग रहा था कभी वो कोई और लाइट सा कलर लग रहा था आंखें उसकी चमक रही थी मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा वो एक औरत थी कभी उड़कर एक बस पर बैठ रही थी कभी उड़कर एक बस पर बैठ रही थी ये इतना दिल दहला देने वाला मंजर था मेरे सामने वो एक बस के ऊपर बकायदा उसकी छत के ऊपर उतरी और खड़ी हुई उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी सर के ऊपर बाल नहीं थे सर बिल्कुल गंजा था और सर के दरमियान में ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से एक सींग होता है ये हुलिया मैंने खुद देखा वो जब बस के ऊपर खड़ी हुई तो बकायदा जैसे पाँव के बल बैठते हैं मैंने जैसे ही उसे देखा उसने बकायदा मेरी तरफ़ देखा मैं इतना खौफसदा हुआ कि वहाँ से भागने के बजाय मैं दोबारा बस में बैठ गया ड्राइविंग सीट पर बैठ मैंने बस को लॉक कर लिया मैं बहुत खौफसदा था मैं थर थर काँप रहा था उसने बाकायदा छलांग लगाई और जैसे वो मेरी बस की तरफ भी आई मैं बहुत खौफसदा था मैं आयतल कुर्सी पड़ रहा था मैंने अपनी आँखों से जो मंजर देखा वो दिल दहला देने वाला था वो बिल्कुल मैं जैसे बस में बैठा हुआ था वो मेरे सामने जो विंड मिरर होता है बड़ी स्क्रीन होती है विंड स्क्रीन होती है बस की वहाँ पर आकर वो सामने बैठ गई वो बहुत खौफनाक मखलूक थी वो कोई चुड़ैल थी कोई जिन था या क्या मखलूक थी वो उसकी बाकायदा बहुत लंबी ज़ुबान थी और वो अपने हाथ चाट रही थी उल्टे उसके पैर थे मैंने आंखें बंद की और मैंने आज कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी मैंने ऊंची आवाज़ में जैसे ही आज कुर्सी पढ़ी अल्लाह को अपनी मदद के लिए बुलाया दो मिनट मुझे ऐसा लगा कि मेरी बस बहुत ज़ोर से जैसे वाइब्रेशन होती है तो कोई चीज़ हिलती है वैसे हिल रही है फिर वो गायब हो गई मैंने पूरी तसल्ली से यहाँ वहाँ देखा मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ पर मुझे बाथरूम वाली साइड पर एक परछाई नज़र आई जैसे बाथरूम की तरफ कोई गया है बस यही एक मौका था मैं वहाँ से निकला और मैं वहाँ से भागता हुआ शोर मचाता हुआ उस तरफ गया जिस तरफ ड्राइवर्स के लिए कमरे बनाए गए थे वहाँ पर बकायदा एक चौकीदार भी बैठता था क्योंकि बाज़ात जो हम लोगों के कमरे थे जो ड्राइवर्स के वहाँ पर वो कपड़े वगैरह भी रखते थे तो जो ड्रगी होते थे वो वहाँ से आकर चीज़ें उठा कर ले जाते थे तो इसलिए हम हम लोगों ने वहाँ पर एक वॉचमैन रखा हुआ था वॉचमैन ने जब मुझे देखा वो भागता हुआ मेरी तरफ आया वो बरामदे में आग जलाकर बैठा हुआ था मैंने वॉचमैन को सारी बात बताई मैं वहीं पर जहाँ पर वो आग जलाकर बैठा था उसके पास बैठा मैं पसीने से भरा हुआ था उसने समझा मेरी तबीयत ख़राब है वो भागता हुआ गया पानी लेकर आया मुझे पानी पिलाया जिस वक्त मैं कुछ बोलने के काबिल हुआ मैंने उससे सारी बात बताई कि इस तरह से मैंने तो बसों के ऊपर किसी मखलूक को उड़ते देखा है और वो बकायदा मेरे सामने भी आकर बैठी है कोई औरत नुमा मखलूक है वहाँ पर उसने कहा कि ये पिछले पाँच छः दिनों से ये माजरा मेरे साथ भी हो रहा है मैं जब भी यहाँ पर आकर बैठता हूँ तो बाथरूम के दरवाज़े को कोई ज़ोर ज़ोर से पटखना शुरू कर देता है मैं उठ कर जाता हूँ वहाँ पर मैं ज़मीन के ऊपर डंडे भी मारता हूँ बाथरूम को जब खोल कर देखता हूँ तो वहाँ पर कुछ नहीं होता और जो बस स्टैंड है वहाँ पर मैंने भी किसी को चलते फिरते देखा है लेकिन वो मेरी आंखों से उछल हो जाता है उसका कद कभी बहुत लंबा हो जाता है कभी उसका कद बहुत छोटा हो जाता है यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी बताया कि परसों अभी जब आप गाड़ी लेकर नहीं आए थे तो उससे पहले यहाँ पर बस स्टेशन पर एक फ़ैमिली थी वो लोग जब बस से उतरे तो लोगों ने वॉशरूम जाना था वो वॉशरूम में गए तो वहाँ पर उनकी एक औरत थी उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं उसने वहाँ पर किसी मखलूक को देखा उसको दौरा सा पड़ा वो ज़मीन पर गिरी बेहोश हो गई तो वो लोग रोने पीटने लगे कि पता नहीं इसको क्या हुआ है वहीं पर उन लोगों ने उसको एक गाड़ी में डाला और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले के तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डर गया था अभी आपके आने से पहले मुझे उस तरफ से कोई आवाज़ें भी दे रहा था कभी किसी बच्चे की आवाज़ आती है जैसे कोई बच्चा पुकार रहा है कभी किसी मर्द की आवाज़ आती है और कभी किसी औरत की आवाज़ आती है मैं बहुत खौफ था खैर वहीं पर उसने मुझे कमरा खोल कर दिया एक मैं वहाँ पर सोने के लिए चला गया सोना मैंने क्या था मैं तो खौफ से उस मंज़र को ही नहीं भूल रहा था पता नहीं किस लम्हे मुझे नींद आई और मैं सो गया सुबह सात बजे जब मेरी आँख खुली तो बाहर मौसम बहुत सा ख़राब था बादल बने हुए थे इतनी ठंड थी कि ऐसा लग रहा था अभी बारिश शुरू हो जाएगी मैंने दो बजे वाला टाइम लेकर निकलना था बुकिंग हो चुकी थी खैर मैं अपने मामूल काम पर पैसेंजर लेकर चला गया सारे रास्ते भी मेरे जहन में वही चीज़ें चलती रहीं कि वो क्या मखलूक थी क्या नहीं मैंने यही सोचा था कि आज जब यहाँ से वापस घर जाऊँगा तो उसके बाद हम लोगों के एक बुज़ुर्ग हैं जाने वाले हैं या रिश्तेदार हैं उनके पास जाऊंगा और उनसे सारा अपना माजरा डिस्कस करूंगा। आज तकरीबन मगरिब तक मैंने वापस आ जाना था और मगरिब के बाद फिर आगे मेरी दो छुट्टियाँ थीं मगरिब के बाद जब मैं वापस आया वहीं पर मैंने आकर अपनी बस स्टैंड पर अपनी बस पार्क की अभी मैंने एक बस अपनी जब मैंने बस पार्क की तो मेरे साथ एक बस और खड़ी हुई थी अभी बाकी जो थी वो सारी रात नौ बजे के टाइम पर आनी थी और कुछ बारह बजे के टाइम पर जैसे ही मैं अपनी बस से उतरा अभी मैं बाहर निकल कर मैंने वो लॉक ही किया था उसका जो दरवाज़ा था तो मेरी नज़र सात वाली बस पर पड़ी ना चाहते हुए मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उसकी फ्रंट सीट पर किसी को बैठे देखा ये वही रात वाली मखलूक थी इसका सर बहुत बड़ा था आंखें चमक रही थी और वो बाहर की तरफ ही देख रही थी बस उसे देखने की देर थी मैं चीखे मारता हुआ वहाँ से भागा मुझे वो जो वॉचमैन था वो रोकता रह गया पकड़ता रह गया मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं मैंने वहाँ से फौरन मैंने ऑटो लिया और सीधा घर आया घर जब आया तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी मुझे बहुत सा बुखार हो गया था बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी बहुत ठंड थी घर वालों ने समझा कि शायद सर्दी की वजह से मैं इस तरह से काँप रहा हूँ मैंने घर वालों को भी सारी बात बताई सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं ये क्या मखलूक है मुझे बार बार क्यों नज़र आ रही है अभी मेरी इस टॉपिक पर अपने किसी और जो वहाँ पर मेरे दोस्त थे दूसरे ड्राइवर्स उनसे अभी बात नहीं हुई थी क्योंकि मैं ख़ुद ही इस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहा था कि ये है क्या रात तो गुजर गई सारी रात मैं बहुत डरता रहा ख्वाब भी मुझे डरावने ही आते रहे सुबह जब मैं हम लोगों के वो जो रिश्तेदार थे बुज़ुर्ग मैं उनके पास गया पहली फुर्सत में मैं उनके पास गया उन्हें जाकर सारी बात बताई उन्होंने मुझे दम किया तो मेरे सर का दर्द ठीक हुआ सर का दर्द नहीं जा रहा था तो उन्होंने उनका यह कहना था कि वहाँ पर जो बाथरूम है वहाँ पर इस नॉन मुस्लिम मखलूक का बसेरा है ये बाकायदा वहाँ पर रहती है आबाद है चुड़ेल है पिछल पैरी है और ये अब अपना आप अप जाहिर इसलिए कर रही है कि इसने वो जो बस स्टैंड वाला सारा हिस्सा है जो कि गैर गैरआबाद हिस्सा है वहाँ पर भी उसने अपना बसेरा कर लिया है वहाँ पर बहुत कदीम पुराने बड़े बड़े दरख्त होते थे इसलिए वो अपना बसेरा उस बस स्टैंड पर कर चुकी है बेहतर यही है कि उससे दूर रहो वो सामने आए भी तो साइड पर हो जाओ क्योंकि वो अपना आप जाहिर कर रही है तुम उस रात जब वहाँ पर गए तुम उसकी तरफ मुतव हुए तब वो वहाँ पर मौजूद थी तुमने उसकी तरफ तवज्जो दी तो वो तुम्हारी तरफ मुतव होकर बार बार सामने आ रही है अभी वो औरत के रूप में भी तुम्हारे सामने आएगी लेकिन तुमने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना तुमने अपने गले में ये तावीज़ रखना है और जब भी तुम बस स्टैंड पर जाओ गाड़ी खड़ी करने के लिए तो तुमने आयतल कुर्सी पढ़ कर फ़ौर वहाँ से निकल आना है चाहे तुम्हें कुछ भी वहाँ पर दिखाई दे तुमने वहाँ पर गौर नहीं करना उनसे मैंने जब सारी बातें सुनी मैंने तावीज़ लिया मैं वापस आ गया दो दिन घर में गुजारे अगले दिन जब मैं वहाँ पर बस स्टेशन पर गया तो मेरी बस वहीं पर खड़ी हुई थी वहाँ पर मेरी बाकी के जो ड्राइवर्स थे उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे साथ भी कुछ वाक़ यहाँ पर रूनमा हुए हैं बल्कि जो एक मेरा दोस्त था जिसकी बस में मैंने बैठे देखा था उस मखलूक को उसने ये कहा कि मैं जब भी बस स्टैंड पर आकर गाड़ी खड़ी करता हूँ तो मुझे बाकायदा महसूस होता है मेरे कंधे भारी हो जाते हैं मेरा सर भारी हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना दिखने वाला वजूद यहाँ पर मौजूद है और एक दफ़ा मैं जब बस खड़ी करके वापस आया तो मुझे वहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जबकि वहाँ पर कोई बच्चा मुझे दिखाई नहीं दिया तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया मैंने बिल्ली की आवाज़ समझ कर मैं वहाँ से वापस आ गया लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर गए चौकीदार अपनी जगह पर परेशान था क्योंकि चौकीदार को भी वो मखलूक वहाँ पर नज़र आ रही थी चौकीदार का ये कहना था कि घंटा घंटा भर बाथरूम बंद रहता है कोई समझ नहीं आती कि वहाँ पर बाथरूम के अंदर कौन होता है खुद ही लॉक होता है खुद ही खुल जाता है कभी उसकी लाइट जल जाती है तो कभी उसकी कोई टैब जाकर चला देता है वो वही चुड़ैल थी वही पिछल पैरी थी जो वहाँ पर शरारतें कर रही थी अब वहाँ के स्टाफ को वहाँ के ड्राइवर्स को सभी लोगों को इस बात के बारे में पता चल चुका था पहले तो फिर भी भूले भटके कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर अक्सर आग जलाकर बैठ जाया करते थे जो बस स्टैंड की तरफ बरामदे थे अब इस खौफ़ से उस तरफ कोई जाता ही नहीं था इस वाक्य के तीन चार दिन के बाद मैं फिर रात ग्यारह बजे वाले टाइम पर जब वापस आया तो वहाँ पर जब मैंने बस स्टैंड पर अपनी बस खड़ी की अभी बस खड़ी करके मैं बाहर ही निकला तो वहाँ पर मैंने उसी मखलूक को एक दरख़ की बहुत सी शाखों के साथ झूलते हुए देखा अजीब तरह से वो झूल रही थी शाखों को पकड़कर कभी इस तरफ जा रही थी तो कभी इस तरफ जा रही थी मैंने फ़ौरन साइकिल कुर्सी पड़ी मेरे करीब वो नहीं आ सकी क्योंकि मेरे गले में तवीज़ था लेकिन उसने अपना आप अप जाहिर कर दिया मुझे बहुत डर लगता था मैं वहाँ पर खौफ ज़्यादा हो जाता था क्योंकि जो हम लोगों के बसेस के टाइम होते थे वो कभी शाम का होता था कभी दोपहर का कभी दिन का वो चेंज होते रहते थे वो कोई एक परमानेंट टाइम तो था नहीं तो जब भी मैं रात को वहाँ पर आता था वो मखलूक मुझे ज़रूर नज़र आती थी कभी बरामदे में चलती फिरती आंखों के सामने आती थी गायब हो जाती थी कभी दरख्तों के नीचे खड़ी नज़र आती थी यहाँ तक कि कभी कभी जो वहाँ पर बसें खड़ी होती थी उनके इर्द गिर्द भी घूमती और चलती फिरती नज़र आती थी बहुत खौफ आता था वो जो बस स्टैंड के बाथरूम थे वहाँ पर तो हम लोगों ने जाना छोड़ दिया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता था ऐसे लगता था कि वहाँ पर वो मौजूद है हर टाइम मौजूद है यहाँ तक कि वहाँ पर एक पैसेंजर मर्द था उसके साथ भी एक हादसा हुआ था वो वॉशरूम से जब हाथ धोने के लिए बेसन पर खड़ा हुआ तो उसका ये कहना था कि मैंने बेसन में अपना चेहरा बहुत ज़्यादा ड्रामना देखा है मुझे ऐसा लगा कि मेरा चेहरा ही बदल गया है मेरे चेहरे में जैसे किसी और का चेहरा आ गया है और फिर एक काले रंग की परछाई मेरे आगे से गुजरी वो डरता हुआ चीखे मारता हुआ वहाँ से भाग गया था हम लोगों ने ये शिकायत भी की वहाँ पर जो वहाँ के बस स्टेशन के बड़े जो थे वहाँ पर ऑनर जो थे जिनका वहाँ पर ठेका वगैरह था उनसे भी सारी बात की तो उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग कोशिश करके इसको आ, या तो तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं या किसी बुज़ुर्ग को लाते हैं कि वो इस मखलूक को यहाँ से निकाल सकें या भेज सकें हर कोशिश करके देख ली पीरों फ़कीरों को भी वहाँ पर लेकर आए कुछ जादूगरों को भी लेकर आए जो कहते थे हम इसको कैद कर लेंगे लेकिन उस मखलूक को वहाँ से कोई निकाल नहीं सका जो बुज़ुर्ग आए थे उनका ये कहना था कि ये नापाक मखलूक है इसको कैद करना इतना आसान नहीं है ये फ़ौर नुकसान देती हैं जानी नुकसान दे देती हैं उसके बाद तंग आकर जब चौकीदार ने भी मना कर दिया कि मुझे वहाँ पर काम नहीं करना तो हम लोगों के जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने वहाँ का उस बस स्टेशन का सारा ठेका लिया हुआ था वहाँ से वो जो था बस स्टेशन ही सारा चेंज हो गया किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर उस चुड़ैल आफत का इस हद तक बसेरा हो चुका था कि वहाँ पर शाम के वक्त पैसेंजर्स के साथ भी अजीबों गरीब वाक़ शुरू हो गए थे वहाँ पर बाकायदा उनको बुलाती थी औरत के रूप में कभी किसी मांगने वाली के रूप में उनको वो उधर पीछे बस स्टैंड की तरफ़ लेकर जाती थी वहाँ पर जाकर उसका रूप चेंज हो जाता था लोगों को दौरे पड़ते थे लोग बेहोश मिलते थे चौकीदार भाग जाते थे चौकीदारों को वहाँ पर बैठने नहीं देती थी पत्थर मारती थी खौफनाक आवाजें निकालती थी काले रंग की बकरी बन के सामने आती थी कभी बिल्ली के रूप में आती थी बहुत उस मखलूक ने वहाँ पर तंग किया वो जगह वो वीरान हो गई वो बस स्टेशन ही वीरान हो गया फिर वो किसी और जगह पर गया वहाँ पर काफ़ी अर्सा मैंने काम किया फिर उसके बाद मैंने ये ड्राइवरी छोड़ दी यानी जो बस ड्राइवर था मैंने ये छोड़ दिया फिर मैंने खुद से पर्सनल अपनी एक मैंने कैब बनाई एक्सपीरियंस मेरे पास पहले ही था फिर मैंने वो चलानी शुरू कर दी अभी तक स्टिल मेरा वही काम है और मैं उसी काम में खुश हूँ ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया असर आपका जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ई मेल आई डी नशीन मीर फिफ्टी सेवन एट जी मेल डॉट कॉम पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर भी मैं बहुत जल्द हॉरर स्टोरीज़ या नॉवल स्टार्ट कर रही हूँ उसको भी विजिट करिएगा दुशीन डेली रूटीन पर भी व्लॉग आएगा उसको भी विजिट करिएगा वॉइस ऑफिशियल एंड हॉर नॉवल ऑफिशल मेरे सिस्टर का चैनल है उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें रियल घो स्टोरी मेरे भाई का चैनल है उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें और मेरे खौफनाक कहानियों वाले चैनल को अभी मेरे जिन लिसनर्स ने नहीं सब्सक्राइब किया जो विज़िट कर रहे हैं स्टोरी सुन रहे हैं पसंद कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसी तरह से आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिलती रहती है और मैं मज़ीद आगे काम करती हूँ मेरे इस खौफनाक कहानियों वाले चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड स्टोरीज पूरी होने वाली हैं और ये सब आप लोगों की वजह से ही है आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो मैं यहाँ तक आई हूँ इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और जो नए मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स आए हैं उन सबको मैं वेलकम कहती हूँ इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में जहाँ रहे खुश रहे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस्ड अल्लाह बहान